अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ आज बैंगन भाजा, और ये बहुत जल्दी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बैंगन लिया है यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। बहुत पतले स्लाइसेस नहीं करने हैं, थोड़े से मोटे रखने हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से गोल हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको पीस बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको आप फिर इसको गोल पीस को आप हाफ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कट करके मैंने रख लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं इसमें, थोड़े थोड़े सब मसाले डालेंगे। ये धनिया पाउडर, ये हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और ये एक चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसको थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो सारे मसाले हैं हमारे वो बैंगन में लग जाएं। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके सारे पीसेस को कोट करना है अच्छे से। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए। ये देख लीजिए इस तरह से हल्का सा मसाला बस होना चाहिए, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आप इस पर डाल दीजिए। ये देखिए मैंने गैस पे पैन रख के इसमें 2-3 चम्मच तेल डाल दिया है, और तेल हमारा लगभग गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके ये पीसेस डालेंगे। ये सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देंगे, और फ्लेम हमको बिल्कुल हाई रखना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको। इस वक्त गैस की फ्लेम हाई है, और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। और ये देखिए तेल चारों तरफ होना चाहिए, जिससे चारों तरफ अच्छे से ये पक जाए, क्रिस्प हो जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसको खोल के चेक करूंगी कि ये अच्छे से पीछे पक गया है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से, ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गया है पीछे से बिल्कुल। अब इसको पलट लेंगे एक एक करके। ये देखिए मैंने सारे पीसेस को एक एक करके पलट लिया है, और इस तरीके से पीछे से अच्छे से सेक जाने चाहिए, फ्राई हो जाने चाहिए। और ये देखिए हल्का सा टॉस करके हम फिर से इसको ढक के 5 मिनट फिर से कुक करेंगे। तो ये देखिए ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक गया है, क्रिस्प हो गया है। इसको फिर से पलटेंगे। देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे एक एक पीसेस को फिर से।
और ये हमारा बैंगन भाजा बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।